हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का देखने वाले हैं, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण जमीन को छूता है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें। आइए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि ये एक पेड़ है, ठीक है। ये क्या है भाई? एक पेड़ है। यहाँ से यहाँ तक इतना जो है हाइट का एक पेड़ है, ठीक है, ये आपने मान लिया। ओके, ये आपका क्या है भाई? एक पेड़ है। तो बोल रहा कि हवा के झोंके से इसका टहनी जो है इस प्रकार नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये टहनी नीचे गिर गया, ओके, ये टहनी गिर गया तो ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, यानी यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री, है ना। तो ये जो टहनी गिरा है इसका कुल हाइट आपको बताना है, पेड़ की यहाँ से यहाँ तक हाइट आपको बताना है। हालांकि ये हाइट क्या हुआ? यहाँ पे गिर चुका है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेड़ की हम कुल हाइट यहाँ पे ले लेते हैं, कुल ऊंचाई, ठीक है। मान लेते हैं कि पेड़ की कुल ऊंचाई इतना था, ओके। तो मान लेते हैं वो यहाँ से टूट करके 60 डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे ज़मीन को छू रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है भाई? ज़मीन को छू रहा है। कितना डिग्री का कोण बन रहा है भाई? 60 डिग्री का, है ना, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अच्छा, ज़मीन पे जो गिर रहा है कितने दूरी पे गिर रहा है? कितने दूरी पे गिर रहा है ज़मीन पे? टूटकर 2√3 मीटर पे गिर रहा है। तो यानी कि ये ज़मीन से कितना गिर रहा है? 2√3 मीटर, है ना। तो अब हमें बताएं कि ये हाइट यहाँ से यहाँ तक हाइट इसके हाइट के बराबर होगा कि नहीं? ये जो यहाँ पे टहनी गिरा है पेड़ का, इसी के हाइट का न गिरा है, है ना। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं। मान लेते हैं इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, है ना। यानी कि पेड़ की कुल हाइट कितना हो गई? डी बी, ओके। सो आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, सॉल्यूशन में हल में यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माना कि डी बी पेड़ है जिसका ए डी भाग टूटकर सी बिंदु पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, है ना। तो हमें निकालना है बी डी, ओके, यानी कि हमें बी डी फाइंड करना है। या फिर आप इसे और क्लियरली लिख सकते हो कि यहाँ पे सी बिंदु पर 2√3 मीटर दूर जमीन के साथ, है ना, 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसे और क्लियर आप लिख सकते हो यहाँ पे कि क्या करना, सी बिंदु पर लिख करके, सी बिंदु पर 2√3 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसे और बेहतर आप कर लेना, ठीक है। तो आप क्या करना है फाइंड, आपको इसकी कुल हाइट आपको फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो हाइट है ए सी, ये डी इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? इसके बराबर, ए डी के बराबर। ये जो टहनी गिरा है, यही तो टहनी गिरा है, है ना, यही टहनी क्या हुआ है? ये टहनी, मान लो यहाँ से यहाँ तक टहनी है, ठीक है, यही टहनी क्या हुआ है? नीचे गिर गया है ना। तो इसका हाइट क्या होगा? समान होगा, ओके। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम लेते हैं ए बी सी, ओके। हम यहाँ पे इस ए बी की हाइट मान लेते हैं एच, क्या मान लेते हैं? एच, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ये क्या हो गया हमारा? लंब हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। तो आधार लंब किस में आता है? टेन में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी बटा बी होता है, यानी कि ए बी बटा बी सी, है ना। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? ये क्या होता है? पी बटा बी, यानी परपेंडिकुलर बटे आधार बेस, ओके, यानी कि लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, ओके। तो इस प्रकार रूट टेन 60 डिग्री मान कितना होता है? 3√ इक्वल टू ए बी का हाइट आपने कितना माना? एच माना, ए बी का हाइट आपने एच माना, बटा बी सी का मान आपको दिया हुआ है 2√3। तो इस प्रकार इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 3√ इंटू 2√3 इक्वल टू एच। तो यहाँ से इसीलिए h बराबर क्या आ जाएगा आपका? 3√3 हो जाएगा, फिर 3 × 2 6 हो जाएगा, यानी कि 6 मीटर ये आपका ए बी का मान निकल चुका है, है ना। ये जो h निकला है
ये क्या निकला है, ए बी का मान निकला है 6 मीटर, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे आप ए सी निकाल लोगे तो आप क्या निकाल लोगे, ए डी निकाल लोगे। ए सी के निकालने का मतलब क्या है, आप ए डी निकाल लिए, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए, ये पाइथागोरस समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगेगा, पाइथागोरस का नियम यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ए सी हमारा कर्ण हो गया, है ना। तो ए सी बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर यहाँ और आगे लिख दो कि समकोण त्रिभुज, समकोण, समकोण यहाँ पर लिख दो क्लियरली, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ए सी कर्ण हो गया, यानी कि ए सी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हमें ए बी मालूम है, अभी हमने निकाला है 6, ओके, तो 6 का स्क्वायर, फिर प्लस बी सी हमें मालूम है 2√3, 2√3 का स्क्वायर, है ना, 2√3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसे हम सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो 4 × 2 = 8, है ना, 4 × 2 कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, ओके। सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3, तो 4 × 3 कितना होगा, 12 होगा, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो इस प्रकार इसे हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 × 2 = 8, है ना, फिर 3 × 1 = 4, यानी कि 48। तो इस प्रकार 48 को हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 को तोड़ो आप, 48 को यहाँ पे हम तोड़ते हैं, देखिएगा 48 है ना, 12 ये हो गया आपका, 24 × 2 = 48, 12 × 2 = 24, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6। तो इस प्रकार 2 और 2 मिल चुका है, यानी कि 2 × 2 = 4। तो इस प्रकार 4√3 आपका किसका मान आ चुका है भाई, ए सी का मान, है ना, ए सी का मान निकाल लिए, यानी कि आप ए डी का मान निकाल लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे इसे और क्लियर कर दो कि √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है। तो इस प्रकार इसे और बढ़िया से फाइंड करोगे तो ये आपका आएगा कितना आएगा भाई, ये आपका आएगा लगभग में 6.93 मीटर, है ना, क्योंकि √3 का मान कितना होता है, 1.732, ओके। चलिए अब यहाँ पे ए सी आप निकाल लिए, यानी कि आप क्या निकाल चुके हैं, ए डी निकाल चुके हैं, ठीक है, ए सी और ए डी का मान क्या है, बराबर है, ओके। तो आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेड़ की कुल हाइट निकालना है ना, है ना, पेड़ की पहली ऊंचाई, है ना, जो कि हवा आने पर झोंका से गिर चुका था, तो पेड़ की पहली ऊंचाई, यानी कि पेड़ की पहली ऊंचाई का मतलब है DB, है ना, पूरा पेड़ की ऊंचाई है जो कि गिर चुका था, ए पॉइंट से सी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 2√3 मीटर दूरी पर गिरा था, ओके। तो ये पूरी हाइट क्या हो गई, DB, है ना, DB हो गया, DB, यानी कि हम DB को क्या लिख सकते हैं, DB को हम क्या लिख सकते हैं, DA बटा AB, तो ये हो चुका है DA + AB, है ना। तो यहाँ पे DA हमें मालूम है, क्योंकि हम लोग देखिए AC और AD दोनों का मान क्या होगा, समान होगा, इसका कितना आया, इसका आया 6.93 आया, तो ये भी क्या होगा, 6.93 होगा ये भी, ओके। और ये हमारा H का मान कितना निकल के आया था, H इक्वल टू हमारे पास 6 आया था, है ना। तो इस प्रकार हम इसको हमें ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार DA हमारा हो गया कितना भाई, 6.93 फिर प्लस 6, इस प्रकार हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 12.93 मीटर, ये हो गया पेड़ की पहली ऊंचाई जो कि झोंका आने पर गिरा था, ओके। तो इस प्रकार ये आपका इतना मीटर आंसर हो चुका है, ठीक है। तो बस इसमें थोड़ा समझने वाली बात ये था भाई कि हम एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे जो पेड़ की ये जो पेड़ का टहनी यहाँ ए पॉइंट से गिरा था, तो यहाँ पे जो टहनी गिरा था इसको अगर जो हम फिर उठाएंगे
तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी कहने का मतलब है ए डी और ए सी का मान क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज मेरा बन चुका था, तो यहाँ से हम ए सी निकाल लिए, ए सी निकाल लिए मतलब हम ए डी निकाल लिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे एच बी फाइंड कर लिए, क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ था और एक भुजा का मान दिया हुआ था। तो इस प्रकार हम यहाँ पे पेड़ की पहली ऊंचाई निकाल लिए, ठीक है। सो आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, ये क्वेश्चन पूछ चुका है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू।